फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकास किचन। आज जो डिश मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसका नाम है अमृतसरी छोले। जी हाँ, ये काफ़ी मसालेदार और तीखे होते हैं और अमृतसर के ये काफ़ी फेमस छोले माने जाते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ इसे कैसे बनाना। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये छोले देखिए हमने उबले हुए लिए थे। इसे आप 4 या 5 सीटी लगा लें और आप टच करके देखें, जब ये दबने लग जाएँ तो इसका मतलब है ये उबल गए। तो आप ये उबले हुए छोले ले लें, 2 लंबी पतली कटी हुई प्याज ले लें और 1 प्याज, इतना अदरक लहसुन और 2-3 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा, इसे आप पीस के मसाला बना लें। और ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं, 3 टमाटर को काट के बड़े बड़े टुकड़े काट के आप रख लें। अब चलिए हम बनाते हैं अमृतसरी छोले। इसके लिए आप एक पतीला चढ़ाएं, उसमें तकरीबन 3 चम्मच आप तेल डाल लें। तेल डालने के बाद हमने ये खड़ा गरम मसाला लिया है जिसमें है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी। तेल को गरम होने दें। जब ये हमारा तेल थोड़ा गरम हो जाए तब हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। अब ये गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को हम लाल होने तक भूनेंगे। तब तक हम ये मसाला पीस लेते हैं। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज और इसमें आप 1 चम्मच जीरा डालो और इसे बारीक पीस लें। देखिए मसाला पीस चुका है। अब ये प्याज हमारी भून चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस मसाले में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच कलर मिर्च, जिसे हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। और अब आप इसे तकरीबन 10 मिनट धीमा और तेज करके भून लें। जब ये मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि हमने ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। अब ये हमारे टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें हम ये उबले हुए छोले डालेंगे। अब तकरीबन 2-3 मिनट आप छोले डालने के बाद इसमें पानी डाल दें। अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप पानी कम डालें, अगर आप थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। अब हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब ये देखिए हमारे छोले पक चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारे अमृतसरी छोले तैयार हैं।